गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस वंस अगेन मेंसुरेशन टाइप चैप्टर, इन विच वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। और 6 को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मैंक मैथमेनिया को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज, क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 6 टाइप का है ये, सॉरी 6 चल रहा ना, 5 टाइप का वो क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको आपको होमवर्क करके दिखाना है सब बच्चों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि आप जितने ही फार्मूले हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कॉन्सेप्ट साथ मैंने बताया, अगर नहीं देखे तो पहली वीडियो देख ले। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखा है क्यूब ऑफ साइड 2.2 डेसी मीटर क्यूब, मतलब एक क्यूब है, ठीक है, जैसे मैंने ये क्या बनाया, क्यूब। और इस क्यूब की खूबी ये है कि इसका जब वॉल्यूम निकाला गया ना तो कितना आया, 2.2, वो भी डेसी मीटर, डेसी मीटर क्यूब, ठीक है, यूनिट तो क्यूब होनी है, तो ये आया। अब इससे कह रहा है इसे एक तार खींचा जाता है, मतलब कैसे भी चोट करके ऐसे खींचना चालू किया गया है, तो मैंने एक तार वायर खींच लिया। अब जानते हो वायर सिलेंडर का फॉर्म होता है, ये वायर है ना, ये क्या है, सिलेंडर ही तो फॉर्म है। इसको मैं थोड़ा अगर बड़ा करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये वायर हल्का सा हिस्सा मैंने कट किया। अब सुनिए, यहाँ पर एच जो है वो लेंथ का काम करेगा, यानी ये सब क्या है, ये एच है, इतनी लेंथ, ठीक है। अब कितना खींचा गया वो हमें नहीं पता, वही तो निकालना है, ठीक। तो आप समझिएगा, एच आपका ये हो गया, आर जो है रेडियस वो कितना है, 0.25 सेंटीमीटर है, 0.25 क्या है, सेंटीमीटर है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, ये डेसीमीटर है और ये सेंटीमीटर, ठीक है ना मिसमैच। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, ये यूनिट क्या होगी, सेम, तभी हम वैल्यू निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं ये कहूंगा हियर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हिंदी मीडियम वाले उसको कन्वर्ट करके कर लेना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो घन का आयतन है वो कितना दिया है, 2.2 डेसी मीटर क्यूब। तो आप बताइए, इसी को मैं लिख सकता हूं, 2.2 डेसी मीटर को मैं तीन बार लिख सकता हूँ, डीएम इंटू डीएम, डेसी मीटर इंटू डेसी मीटर, ठीक है। अब इसी को मैं कन्वर्ट करूं डेसी मीटर को सेंटी में, तो आपको पता है डेसी के बाद जस्ट सेंटी आता है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वही किससे, 10 से, तो 10 cm, ये भी क्या होगा, 10 cm, ये भी होगा 10 cm, cm का मतलब सेंटीमीटर, dm का मतलब डेसीमीटर, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ये चीज पूरी आपको साफ साफ दिख गई, 2.2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और आगे हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, कोई समस्या। अब इससे वायर खींचा गया, वायर सिलेंडर के फॉर्म का हो तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वायर, ऐसे लिख लीजिए, सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। आप लोग लिखिएगा बेलनाकार तार का आयतन, तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कल के क्वेश्चन में यही गड़बड़ हुआ था, मैंने पूरा डी की वैल्यू रख दिया था 5, जबकि उसको 5/2 रखना था, उसको आप लोगों ने, कई बच्चों ने किया था, जैसे खुशी शुक्ला ने और भी कई बच्चों ने किया था, ठीक है, और भी बच्चे कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू आप समझ रहे हैं कितनी है, तो आप कहोगे 0.25 अगर डेसी डायमीटर है तो अपॉन में 2 कर लूंगा, ठीक है, और साथ में एच कर लूंगा, क्या कर लूंगा, एच, एच आपको फाइंड करना है। मैं देख ले रहा हूं कि क्या पिक्चर आप आ रही है वीडियो में, हल्का सा मुझे लग रहा है नहीं आप आ रही है, तो मैं कुछ ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है, अब आ गई, समझिए, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर पाई आर स्क्वायर एच हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। यहाँ पे हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओ, ये पॉइंट हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 25 1 जा 8 जा 1 जा 8 जा, तो 1/8 इंटू 1/8 इंटू एच, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर ये निकल के आया आपका, ये फर्स्ट पॉइंट नोट करना था, ये सेकंड, क्योंकि आपको पता है जो क्यूब है उसी से तार खींचा जा रहा, तो इसका जितना वॉल्यूम क्यूब का होगा उतना ही आपका क्या होगा, सिलेंड्रिकल वायर का होगा। मैं क्या करूंगा, नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, यहां कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 2.2 और आगे आप समझ रहे, 10 × 10 × 10 इक्वल टू 22/7 1/8 × 1/8 × h, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं जो भी वैल्यू, अब जैसे यहां पर आपको पता है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 0 हो जाएगा इक्वल टू,
इज इक्वल टू 22 अपॉन में 7 इंटू 1 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन 8 इंटू एच। अगर नीचे नहीं आ रहा तो मैं इस साइड कर रहा हूं, देखिए पहले देखिए 22 वन जा 1100, ठीक है। अब आपको पता है 11 0 इंटू 7 इंटू 8 8 जा 64, और उसके बाद जो भी वैल्यू वहां पर कुछ बचा नहीं, केवल और केवल एच बचा है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना और यही आपकी क्या होगी, वायर की लेंथ होगी। काहे में होगी, सेंटीमीटर में। क्या में होगी, सेंटीमीटर में। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क के लिए है, उसे अवश्य आप लोग दिखाएं। तब तक के लिए थैंक यू।